नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ Redmi 8 सीरीज के MIUI 12 के इंडिया स्टेबल अपडेट के बारे में कि यहाँ पर आपको Redmi के 8 सीरीज में आपको MIUI 12 का इंडिया स्टेबल अपडेट आपको आपके डिवाइस में कब तक देने को मिलेगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको Redmi 8 सीरीज में MIUI 12 से रिलेटेड आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर Android 10 से रिलेटेड भी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करके रख लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें एंड्रॉइड 10 के बारे में तो यहाँ पर सभी डिवाइस में यहाँ पर Redmi 8 सीरीज के जितने भी डिवाइस है, Redmi Note 8, Note 8 Pro, Redmi 8, 8A, 8A Duel, सभी डिवाइस में आपको एंड्रॉइड 10 का अपडेट सक्सेसफुली दे दिया गया है। ठीक है, हो सकता है कुछ पर्सन यूजर्स को नहीं मिला होगा तो उनको भी एक दो दिन के भीतर भीतर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप मान सकते हो कि सभी को एंड्रॉइड 10 मिल चुका है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये Redmi के Note 8 Pro डिवाइस में MIUI 12 का अपडेट भी काफ़ी बार रोल आउट किया गया है। हालांकि यहाँ पर Note 8 में नहीं दिया गया है, Redmi 8 में नहीं दिया गया है, 8 and 8A and 8A Duel किसी में नहीं दिया गया, सिर्फ Note 8 Pro में दिया गया है। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है कि इन सभी डिवाइस में आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो अभी मंथ चल रहा है, अभी सितंबर ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो सितंबर के लास्ट में तो आपको उम्मीद है कि Redmi Note 8 को देखने को मिले। ठीक है, मगर यहाँ पर 8A and 8A Duel को आपको इस मंथ में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कम प्राइस के डिवाइस है और इसमें Xiaomi का भी कहना है कि यहाँ पर जो ऊंचे लेवल के डिवाइस है, महंगा डिवाइस है, उसमें हम पहले अपडेट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस मंथ तो नहीं मिलेगा अपडेट आप में से किसी को भी, तो इस मंथ नहीं मिलेगा, ये मंथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद अक्टूबर के बीच तक, मतलब 15 अक्टूबर तक आपको उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर MIUI 12 का इंडिया स्टेबल अपडेट आपको मिल सकता है। ठीक है, मगर दोस्तों वो अपडेट जब मिलेगा आपको तो वो अपडेट टेस्टिंग फेज में मिलेगा, मतलब कि बीटा स्टेबल मिलेगा। ठीक है, उसमें दोस्तों आपको स्टेबल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा बीटा स्टेबल। और वो अपडेट मिलते के साथ आपको क्या होगा कि एक घंटे या फिर दो घंटे के बीच में बाद वो क्या होगा कि वो अपडेट गायब हो जाएगा। उस बीच अगर आपने उसे डाउनलोड करके रिबूट कर दिया अपडेट करके, ठीक है, तभी आपका अपडेट होगा। तो आपको करना क्या होगा कि बैटरी परसेंटेज आपको 50% से ज़्यादा रखना होगा और आपको डेटा रखना होगा अच्छे से, तभी आपका वो हो पाएगा। नहीं तो अगर फिर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर आपको अपडेट के लिए फिर 10 से 15 दिन का वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों, वेट आप कर सकते हो क्योंकि आपको मतलब पता होगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बग भी मिल सकता है आपको। हालांकि यहाँ पर जितने भी डिवाइस में रोल आउट किया जा रहा है MIUI 12, उसमें बग तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आपको अपडेट कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो आप इस चैनल पर जरूर बने रहिए क्योंकि इस चैनल में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी अगर अपडेट से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ताकि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैं डालूँ तो सबसे पहले आप देख सके वीडियो और सबसे पहले जाकर अपडेट आप कर सके। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो इससे पहले आपको टेलीग्राम चैनल में ही देखने को मिलता है। और दोस्तों, आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर भी आप जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।